तू जितने सपोर्टर का वो लेने वाला था ना, क्या बोलता है, सिंपथी, वो सब तेरा गलत। गुड मॉर्निंग माय डियर ऑडियंस, या फिर जो भी निंग हो, जिस जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, मतलब क्या लगे? वीडियो देखा कि नहीं अपना? सही है, रेगुलर वीडियो आ रहे हैं अपने, हर दिन आएगा। तो जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, वो वाला निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी। नहीं, गुड आफ्टरनून में निंग कहाँ होता है ना? हाँ, जो भी निंग या नून में वीडियो देख रहे हो। आज के जंगल में बगीरा नहीं है, ना ही चीता है, बट शेर खान वहाँ पर है। अबे यार, इसका कवर निकल गया है यार। शफीक, कवर लगा के आ जाना भाई। क्या छुपा रहा था तू? ये जो कोने में खड़ी रहती ना, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी देख रहे हो, ये पानी गिरता है सबसे टॉप फ्लोर पे, जो एसी है ना, वहाँ पर पानी गिरता है, ये वाला, यहाँ से पानी गिरता है यहाँ पर, ये छपरे पे, छपरे से गिरता है अपने टाइगर पे, इसीलिए मैं टाइगर को ढक के रखता हूँ। वैसे शेर लोग नहाते नहीं है, अपनी शेर खान भी नहाती नहीं है, मैं भी नहीं नहलाता हूँ उसको, क्योंकि वो जितना जंगली रहेगा ना, उतना अच्छा लगता है। चीता नीचे दिख गया, मतलब रस्सी उसी से बांध के रखना पड़ेगा परमानेंट। ट्रैफिक, थैंक यू, तेरे उम्मीदवार लोग बहुत बोलते हैं अपने को। हम रहते हैं समंदर किनारे, और यहाँ पर ना काफ़ी हवाएं चलती है, तो हवा की वजह से अक्सर ये उड़ जाता है, और ये वापस उड़ जाएगा, और ये उड़ गया, जैसे मैंने बोला ये उड़ गया। भाई चील है यहाँ पर, क्या हो गया? ये लॉकडाउन की वजह से सारे पक्षियाँ, पशु सब शहर में आ रहे हैं, ये उनकी टेरिटरी, एक्चुअल में ये उनकी टेरिटरी है। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू किया जाए। क्या आप लोग के घर में इंटरनेट का इशू होता है? इंटरनेट अटक अटक के चलता है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सब लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो ये होता है। लेकिन हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि देखो दो एंटीना यहाँ से निकला हुआ, एक एंटीना यहाँ से निकला हुआ, एक एंटीना यहाँ से निकला हुआ है, तो ये नेटवर्क पहुँचाते रहता है। हमारे घर में इंटरनेट की कभी दिक्कत नहीं होती है। चलो आज का वीडियो कौन सा वीडियो, मेरे को थोड़ा बताना यार। चैलेंज है ये चैलेंज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कि अभी अभी हमने खाया है खाना, दिल की बात है, सच्चाई वाली बात है, वो ये कि आजकल क्या हो रहा है ना, कि हम मोटे हो रहे हैं और पेट बाहर निकल रहा है। मुझे अपनी सांस को ऐसे खींच के रखनी होगी ताकि हमारा पेट ना दिखे, और ये टी शर्ट में एक्चुअली दिखता ही है। तो सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए ये है। इसके अलावा और तीन चैलेंज है इस वीडियो में, जो सीरीज हमने शुरू किया था, इसके दो वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में कहीं ना, कि क्या दिखा रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन यार, ये कैमरामैन सही नहीं है, सही नहीं है कैमरामैन, मैं बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। 1 2 3 4 5 चैलेंज शुरू करने से पहले जो लास्ट चैलेंज का स्कोरबोर्ड है वो है आपके स्क्रीन पर। ये जो चैलेंज है ये बहुत ही सिंपल है। ये वाले बॉटल को एक बॉक्स खसका सकते हो तब जब आप बॉटल को फ्लिप करके सीधा कर लोगे। ये अभी हुआ नहीं है, ऐसे हो जाएगा तब यू कैन मूव वन स्टेप अहेड। तो ऐसे कर करके जो लास्ट में जाएगा यहाँ पर, जो सबसे कम टाइम में अपनी नौका पार करा देगा वो जीत जाएगा, लेकिन उसके पास टाइम लिमिट है 1 मिनट। इस चैलेंज का नाम क्या है? सांप सीढ़ी चैलेंज। शफीक के कहने पे हमने इस चैलेंज का नाम रखा है सीढ़ी चैलेंज, क्योंकि देखो हमारा व्लॉग है, हमारे चैलेंज है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, है कि नहीं ब्रो? अरे वाह, अजमत हमने अपनी नौका पार कर दिया सीढ़ी चैलेंज में। चैलेंज वीडियो करते करते जो इतनी खुशी मिलती है अंदर से आता है वो, अंदर से। रेडी रेडी। अरे भाई जम के लगे विजेता आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा होगा। और हाँ, मैं बोल नहीं सकता, शफीक है यहाँ पर मैदान में, शफीक गेम पलट सकते हैं। नहीं 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 गिरा था बॉटल उनका। ये राउंड के जो विनर है वो है मोहम्मद सलीम खान, सुनहरे अक्षरों पे लिखते हुए अपना नाम, अरे राइमिंग। इस राउंड के जो विनर है उनका नाम है मोहम्मद सलीम खान,
सुनहरे अक्षरों पे लिखते हुए नाम। ब्रो मेरे को रैपर बनना चाहिए। सबसे बड़ा सर किसका है? पठान का है। डन। ये यहाँ तक का खट 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 खट। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल टोपी हमने अपने हाथों से बनाई है। बेसिकली ये टर्की की टोपी है, बस इसमें कलर थोड़ा व्हाइट है, बाकी फुल फील वाला आता है। इसमें ऐसे चोटी लगा दूंगा तो फुल हो जाएगा। पहले ये चैलेंज का नाम क्या है? टोपी वाला। ये हमारे पास कुछ ये टिश्यू पेपर के छोटे छोटे हमने बॉल्स बनाए हैं, आड़े तड़े शेप के। इसको हम ऐसे निकालेंगे और इसको डालेंगे अंदर, तो जो जितना ज्यादा बॉल डालेगा वो जीत जाएगा। लेकिन इस पे शर्त ये है कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपके पास एक मिनट का टाइम है। तुम लोग मुझे लग रहा है हराने के लिए चीटिंग करोगे। चम्मच किधर है रे? छुपा दिया। तुम लोग चीटिंग करोगे मुझे पता है। मेरे को सिर्फ टेक्निक पता है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ओके कितना है काउंट करो, हमारे सर पे गोटी कितनी है काउंट करो, यहाँ से दिखाओ हमें। 10 बस इतना ही किया पठान। बहुत अजीब दिख रहा है यार तू तो। किधर है भाई खाना मेरा? पोपड़ी 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 में खाने वाले बिरयानी इसमें से खा लेने वाले। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। नहीं नहीं ये दो काउंट नहीं होगा। काउंट कितना किया? 10-11। सुफियान पठान ने किए हैं 11 एक मिनट में। इसका आगे तो खुला है भाई, यहाँ से आप बता भी नहीं रहे। बहुत अच्छा जा रहा है। ऑलराइट ये मतलब ये देख रहा है, ये देख रहा है, मतलब इसको दिख रहा है। नहीं छोड़ कि अगर ये उठा रहा है कि इतना हल्का वेट है उसको कैसे पता चलेगा इसमें है कि नहीं है। ये देख रहा है और नहीं भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चीटिंग छोड़, नहीं है, नहीं डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। बट यहाँ तक ला रहा तो यहाँ से बहुत दिख रहा था, तो यहाँ तो मालूम पड़ रहा। ये है आपका शफीक जिसको आप सपोर्ट करते हो ना, देखो ये कर रहा है। नहीं देख रूल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से प्लेट में नहीं दिख रहा था। तो जितने सपोर्टर का वो लेने वाले था ना, क्या बोलता है, सिंपथी, वो सब तेरा गया। ये ट्रिक थी ब्रो। खत्म। एक चाय ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट टास्क और वही टास्क आपको मिलेगा। आज का थर्ड चैलेंज शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर जिंदगी में आपके दो रास्ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते जाना चाहिए, तो आपको कैसे उस सवाल का जवाब मिलेगा पता है? आपको सिक्का उछालना चाहिए, और सिक्का उछाल के जब सिक्का हवा में होता है तभी आप डिसाइड कर लेते कि आपको कहाँ जाना है। कांटा और छापा की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हेड और टेल। आज का थर्ड चैलेंज ये सिक्के के साथ होगा। वेल इसको आपको घुमाना है। ये उंगली को क्या बोलते हैं? सुसु उंगली, कानी उंगली, नहीं क्या, पिंकी फिंगर, पिंकी फिंगर। अपनी पिंकी फिंगर से उसको ऐसे रोकना है। I'll show you। और जैसे रुकेगा तब आपको एक डायलॉग बोलना है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में आपका काउंट होगा एक। गो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बहुत अच्छा। सिक्के के दो पहलू, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बहुत अच्छा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बहुत अच्छा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा एक बहुत अच्छा। अगर ये चैलेंज मैं जीत जाता हूँ तो मेरे और सलीम भाई में टाई हो जाएगा। देखते तू क्या करेगा। मैं फैसला करूंगा। गो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा एक बहुत अच्छा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा एक बहुत अच्छा। ओके ओके हमारा सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग करेंगे हम ही करेंगे। और ये चैलेंज के विजेता है मोहम्मद सलीम खान। सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाए बादलों में। ये अभी ये सब हार रहा है, इससे कोई उम्मीद ही नहीं है। 3-2-1। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बहुत अच्छे। सिक्के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बहुत अच्छे। सही ब्रो, सही 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 है ब्रो, सही है। सिक्के दो पहलू होते हैं, अच्छे बहुत अच्छे। टाइम अप टाइम अप।
बात को ध्यान से सुनिएगा, ये चैलेंज अगर आप लोग जीतोगे तो आपको मिलेगा 15,000 रुपये। सेम जो चैलेंज हमने किया वैसे ही आपको करना है, अपने पिंकी फिंगर से उसको रोकना है और आपको डायलॉग बोलना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा। जो एक मिनट में सबसे ज्यादा वार करेगा उसे मिलेंगे 15,000 रुपये। एंट्री कैसे भेजनी है उस वीडियो का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। एंट्री भेजने का जो लास्ट डेट है वो है 25 तारीख सुबह 11 बजे। उससे पहले जितनी भी एंट्री होगी हम लोग सब देखेंगे। और वी ट्रांसफर पर जहां पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और UPI ID लिखते हो, वहां पर आपको ये भी लिखना है कि आपने कितनी बार कॉइन को पकड़ा है अपनी पिंकी फिंगर से। इस बार विनर का अनाउंसमेंट होगा इंस्टाग्राम पर, ID है @msalimkhan, डू फॉलो प्लीज। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग को वीडियो देखने में मजा आया होगा, अगर मजा आया तो लाइक कर सकता है, बेल का बटन भी दबा सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना राय दीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।